खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम अंतर्गत ग्राम दत्ती गारा में ग्राम चौपाल का आयोजन किया। कलेक्टर जिलाधार द्वारा समस्त जिला अधिकारियों के साथ ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया। चौपाल के दौरान बीपीएल कार्ड प्रदाय करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का ऑनलाइन दर्ज कराया गया। साथ ही दिव्यांगों को विकलांग पेंशन तथा मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक लाभ दिए जाने हेतु प्रकरण बनाए जाकर स्वीकृति प्रदान की गई तथा वहां ग्रामीणों के मध्य ग्राम चौपाल का आयोजन कर ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र में विधवा पेंशन न मिलने तथा फसल नुकसानी अधिक होने की समस्या बताई, जिसमें से विधवा पेंशन की स्वीकृति तत्काल की जाकर आगामी माह से संबंधित महिला को प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था के साथ ही फसल नुकसानी जहां जहां हुई है वहां तत्काल आरआई एवं पटवारी को भेजकर सर्वे कराया गया। ग्राम में मार्ग के दोनों ओर नाली निर्माण करवाने हेतु पंचायत निधि तथा मनरेगा के कन्वर्जेंस से राशि 3.5 लाख की स्वीकृति दी जाकर कार्य 15 दिवस से प्रारंभ किए जाने हेतु ईएस एवं ग्राम पंचायत को निर्देशित किया गया। आज आपके सरकार आपके द्वार में आज हम लोग बदनावर ब्लॉक में आए हैं। नागदा में शिविर है, उसके पहले औचित निरीक्षण होता है एक गांव में, जो आज दत्तीगारा में हम लोग आए हैं। दत्तीगारा में हम लोगों ने सभी गांव में सभी ग्रामीणों से चर्चा की और गांव के जो 2-3 मुख्य समस्याएं थी, एक पीएमजे से जो रोड जा रहा है उसके दोनों तरफ नालियाँ नहीं बनाए, लोगों ने अतिक्रमण किया है, तो उसको नाली बनाने का एक सबसे बड़ा समस्या है। यहाँ पे सारे शासकीय भवन है, यहाँ पे बारिश के समय पूरा भर जाता है एक पुलिया के कारण, तो उसको तत्काल हम लोग कैसे उस पुलिया को डाइवर्ट करके सुधार सकते हैं, उसको आरईएस इसका एस्टिमेट अभी आज बना देंगे, तो ये एक बड़ी समस्या यहाँ पे आ रही है। स्कूल में विद्यार्थियों की बच्ची संख्या भी कम रही है और यूनिफॉर्म भी विदाउट यूनिफॉर्म में भी कुछ बच्चे देखते हैं, उसको लेके क्या? नहीं, डेफिनेटली आज हम लोग स्कूल में विजिट किया है, उसमें विलम्ब डेफिनेटली हुआ है, जिसके लिए हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। जिनके स्तर से विलम्ब हुआ है मैंने बीआरसी को नोट कराया है, तो उसमें अभी इन लोगों ने डिसाइड किया है उनके यूनिफॉर्म के साथ साथ जूते और बाकी सब भी उनके 2 दिन में ये व्यवस्था करेंगे, तो ये व्यवस्था। सर, बच्चे देश का भविष्य होता है, उनको हिंदी पढ़ना नहीं आ रही 7 क्लास के बच्चे को, डेफिनेटली हम लोगों ने ये महसूस किया है कि हालांकि इसमें अलग अलग समूह बनाते हैं जो बच्चे के स्तर के हिसाब से ABC ऐसे, और सबसे जो कमज़ोर जो समूह था उसके बच्चों को डेफिनेटली ये 7वीं में अगर हिंदी पढ़ना नहीं आ रहा है तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बहुत ही, लेकिन ये बता रहे कि प्रयास किया जा रहा है इस बार और मैं समझता हूँ कि आगे जाके इनकी स्तर पर सुधार होगी। लर्निंग आउटकम्स पर हम लोग डेफिनेटली ध्यान देंगे और पूरे जिले में इस बार हम लोग ने शुरू किया है कि बच्चों को लर्निंग आउटकम्स कैसे सुधारा जाए। करोड़ कला से आदित्यराज धाकड़ की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।